किसी की ही वीडियो से एक्सपोज कर देंगे। ये एक चाइनीज ऐप को प्रमोट करता है और बाद में बहुत ही सफाई से झूठ बोलकर। तो गाइस क्या ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया गया है? जहां पर रिसेंटली आपको पता ही है एलविश यादव ने ध्रुव राठी को एक्सपोज करा था, वहां पर एक चाइनीज ऐप को प्रमोट करने के लिए एलविश यादव ने उन पर क्लेम किया था और वहीं पर फिर रिप्लाई करते हुए ध्रुव राठी ने भी उस चीज का रिप्लाई करा था, बट उन्होंने सच नहीं बताया, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी। तो उसी का रिप्लाई देते हुए एक ट्विटर पे काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही इनकी वीडियो, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। 30 सेकंड के अंदर इसको एसी की ही वीडियो से एक्सपोज कर देंगे। ये चाइनीज ऐप को प्रमोट करता है और बाद में बहुत ही सफाई से झूठ बोलकर ये गुमराह कर रहा होता है लोगों को कि इसको पता नहीं था कि ये एक ऐप चाइनीज ऐप है। अक्टूबर 2021 की इसके पास मेल आती है, पीएनपी कॉइन जो कंपनी होती है उसको 27 अक्टूबर 2021 को वो मेल करती है, खुद बोलता है। उसने इस ईमेल का रिप्लाई दिया, उसके पास 27 तारीख को मेल आया और उसने 26 तारीख को कैसे रिप्लाई कर दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, कि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी, इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा कर ये शो किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूं वो सही चीज है। और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स दिखाया, इसका कहना है कि इकोनॉमिक टाइम्स दिखाया मुझे 27 अक्टूबर 2021 की बात थी और इसको 2022 की न्यूज कैसे दिखा दी गई उस टाइम पे 2021 में। मनी कंट्रोल की देखिए, ये 4/2022 की न्यूज है, इसको 2021 में कैसे दिखा दी गई। एनडीटीवी का मान सकता हूं कि इसको 2021 में ये ठीक अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीने पहले ये जो पोस्ट की गई थी। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो इंसान ही, देखिए ऐसे करता है आपका अपने बॉस की, देखिए बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि हूं तो मैं इंसान ही, ऐसे अपने फॉलोअर। तो मैं तो कभी भी गाली यूज नहीं करता, मुझे इस बात का काफी प्राउड फील होता है। और वहीं गाइस सौरव जोशी ने रिक्वेस्ट करी है काफी बड़े यूट्यूबर से, जहां पर आपको कोलकाता केस के बारे में तो पता ही है, तो क्या कहा है सौरव जोशी ने? जो गाली वाला कल्चर है यूट्यूबर्स में, इन्फ्लुएंसर्स में, इसको भी बंद करो, बिकॉज गाली में भी ये सब गंदी गंदी गालियां होती हैं, इससे भी बढ़ावा मिलता है इन सब चीजों को। तो मैं तो कभी भी गाली यूज नहीं करता, मुझे इस बात का काफी प्राउड फील होता है। मेरी ऑडियंस भी वही बच्चे देखते हैं या फिर पेरेंट्स देखते हैं, तो वो भी काफी प्राउडली अपने बच्चों को बोलते हैं कि देख लो सौरव जोशी को देख लो, क्योंकि पता है उनको, आंख बंद करके भरोसा करते हैं मुझ पे। तो मुझे लगता है इसी तरह से सारे इन्फ्लुएंसर्स को काम करना चाहिए बिना गाली के, क्लीन कंटेंट के साथ में, क्योंकि बच्चे देखते हैं, यूथ देखते हैं। डैडी तेरा है वो, तभी तेरे को पाल रखा उसने, अगर तेरे अंदर। हेलो गाइस, तो गाइस वापस से एजाज खान और थारा भाई जोगिंदर की कॉन्ट्रोवर्सी चालू गई है, जहाँ रिसेंट टाइम में मैंने आपको दिखाया था उनकी कॉन्ट्रोवर्सी चली रही है और थारा भाई जोगिंदर अभी मुंबई गए हुए हैं, तो वहीं पर थारा भाई जोगिंदर ने एजाज खान को कॉल करा था और उसी कॉल के अंदर आप सुनेंगे कि क्या हुआ है। मैं उनका कॉल सुना देता हूँ आपको। मैसेज बोल देना, फोन आया था वो तेरे को। कौन बोल रहा है? जोगिंदर बोल देना उसको, ठीक है? और ये भी बोल देना, बोलेगा तो बात सुन। हेलो, आराम से बात कर, तेरा मेरा कोई मैटर नहीं है, मैं तेरे को नहीं। अरे बात सुन, मैं तेरे को नहीं जानता, तेरा मेरा कोई मैटर नहीं है। एजाज खान से बात करा। अबे एजाज से बात करा जोगिंदर की, अगर हिम्मत है तो उसको बोल जोगिंदर से बात कर। डैडी तेरा है वो, तभी तेरे को पाल रखा उसने, अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना, अगर बात सुनो, चुप, तेरे अंदर अगर हिम्मत है ना बात करवा, उसको बोल जोगिंदर का फोन है, उसको बोलना जोगिंदर का फोन है। क्या हो गया, डर गया क्या? अब बात करवा, कल मैं अपनी फैमिली के साथ बात करवा। और मैंने तेरे को बैठ के समझाया था कि अगर तू हसल कर रहा है और तेरा हसल। और वहीं गाइस तरित पशाना और थगेश के बीच में काफी बड़ा लफड़ा हो गया है, जहां पर मैंने रिसेंट अपनी वीडियो में उनका क्लिप तो दिखाया था, क्योंकि थगेश ने उनके ऊपर रोस्ट वीडियो निकाल दिया था। अब तरित पशाना ने वापस रिप्लाई देते हुए अपने लाइफ में क्या कहा है थगेश को, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूं। दिखा दिया तूने अपना स्टैंडर्ड, तू शायद से भूल गया, तेरे को मालूम नहीं, मैं तेरे को याद दिलाता हूं। 6 July 2022 मार्वल की तरफ से एक प्रीमियर आया था, थॉर लव एंड थंडर, उधर तू भी आया था और मैं भी आया था। हगेश की बात कर रहा हूँ मैं, याद आया हगेश? लास्ट रो पे तूने और मैंने मिलके रिक्लाइनर पे पूरा का पूरा मूवी देखा था, थॉर लव एंड थंडर 2022 में, याद कर? तब तेरे को मिल रहा था हेट, क्यों? क्योंकि तू हर इंडस्ट्री में तेरे पैर इधर उधर मार रहा था, तू न्यूज रिपोर्टर बन गया था। कोको कोला एंड मंड का टोला, 8 × 16 और वहीं गाइस पूरा जा एक को रोस्ट वीडियो लाने वाले हैं किंग के ऊपर और वहीं नेजी के ऊपर, तो उनकी काफी सारी वीडियो अभी बाहर आई है, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यो 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 दोस्तों, हम आ गए हैं मिलने नेजी दबा से। तो नेजी दबा, मुझे आपसे पूछना है, ये फ्री स्टाइल रैप क्या होता है? फ्री स्टाइल रैप ज्यादा कुछ नहीं होता भाई, जैसे कुछ भी बिना सोचे बोल दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे मैंने तेरे को बोला, तूने मेरे को बोला, गर्मी का टाइम है, पिला दे।